इतना नहीं गिरे जितना आप गिर गए ये मकाफाते अमल है प्रेशर कहाँ से हैंडल हो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है मैं आपको अपने आए आप हाँ आप 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 तो पीसीबी ने कुछ तो पूछ की होगी आप लोगों को बात हुई होगी देखे उस पूछने की जरूरत ही नहीं थी जो जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया चीफ सिलेक्टर रिजाइन ठीक है डरिंग द टूर्नामेंट ही हाँ ठीक है हमारे हेड कोच रिज़ाइन चेंज हो गए थे असिस्टेंट कोच चेंज हो गए थे इवन तो हमारे मीडिया मैनेजर चेंज हो गए थे और उसके बाद हम कैप्टन चेंज हो गए थे तो करने की ज़रूरत नहीं थी सब कुछ तो कर नहीं दिया था। इमाम मेरा सवाल ये चीज़ें तो आ, फायर फाइटिंग होती हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इन्होंने छोड़ दिया इन्होंने निकाल दिया क्या ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि क्यों हारे किसी कोच की वजह से हारे कैप्टन की वजह से हारे परफॉर्मेंस प्रेशर हैंडल ना करने की वजह से हारे देखिए ताबेश भाई टी क्रिकेट और वनडे क्रिकेट एक अलग अलग चीज बिल्कुल ठीक ठीक है हमारी टी की परफॉर्मेंसेज वो जो है वो सामने हैं वो आ गई हैं वनडे में हमारी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी अगर आप वर्ल्ड कप को निकले वर्ल्ड कप में हमने अच्छा नहीं किया उससे पहले हम जो है हम नंबर वन टीम भी थे ठीक है चाहे हम ए को खेलें या हम ई को खेलें डी को हमारा काम है क्रिकेट खेलना जो बो टीम आएगी हमने तो उससे खेलना है ठीक है और हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में भी हराया था हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हराया था मैं वनडे टीम की बात कर रहा हूँ हाँ हमारा कैंपिंग अच्छा नहीं गया वर्ल्ड कप का लेकिन अगर आप देखें वो सात साल से जो है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी वनडे की जिस वजह से हम नंबर वन काफ़ी देर रहे और हमारे उसके बाद तो सात साल की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए थी वर्ल्ड कप की थी और वहाँ पे नहीं हुआ।, हुआ उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने उनको जो लगा वो उन्होंने की उसके बाद क्योंकि क्या हुआ क्योंकि वनडे के बाद हमारा फौरन दो दस दिन के बाद हमारी टेस्ट सीरीज़ थी तो हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और उसके बाद आके फॉरन पीएसएल थी और जो जो चीजें क्योंकि अभी वनडे क्रिकेट अभी बहुत दूर है आठ महीने का गैप था अब तो जब वनडे क्रिकेट आएगी तो ऑब्वियसली जो जो चीजें उनको लगी होंगी या बोर्ड को जो वो बिल्कुल पड़ेगी तब ठीक देखें द थिंग इज उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि आप जैसे आपने कहा आइडेंटिफाई तो उन्होंने आइडेंटिफाई अभी उस वक्त उनको मौका मिला ही नहीं कि वो क्या कर सके उसके बाद क्योंकि थी और फिर सारी चीजें चेंज हो गई थी क्योंकि जो जो उस वक्त जिन्होंने टीम भेजी थी वो था ही नहीं ना वो चेयरमैन थे चेयरमैन भी चेंज हो गए तो बहुत सारी चीजें चेंज होगी तो जब वो टीम आएगी जब वो वापस आएगी तो फिर चीजें का पता चलेगा कि क्या अच्छा एमा, मैं अहमद भाई आपसे बात करूंगा आ, एक टीम आई है हम सब बैठे होते हैं टी के ऊपर सब जो देख भी रहे होते हैं हम सब कहते हैं यार पाकिस्तान से प्रेशर हैंडल नहीं होता सालों से कहते हैं आज की बात कोई है प्रेशर हैंडल नहीं होता ये प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई कर चुकी है एज ए आवाम एज ए क्रिकेट लवर एज एन एक्सपर्ट आप लोग भी यही कहते रहते हैं। यार प्रेशर सिचुएशन जिदा हुआ मैच हार जाते हैं प्रेशर सिचुएशन में काम ही नहीं करते ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते इसके ऊपर कोई काम होता है ये सिर्फ कोच कैप्टन यही चेंज होते रहते हैं देखिए इमरान भाई और अहमद भाई ने दो तीन बातें बहुत जबरदस्त की हैं जिसमें एक यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें ना दोबारा से जो है ना तरजीह देनी चाहिए प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं जब आप बड़ा मैच खेलते हैं आप उसमें आज ना चाहते हुए भी, भी मुझे विराट की एग्जाम्पल देनी पड़ेगी कि वो जब भी क्रंच सिचुएशन आती है वो एक उसका अलग अलग एक डिफरेंट परफॉर्मेंसेस आती है इसीलिए वो सबसे डिफरेंट है क्योंकि मैच विनर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी क्रंच सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है इंडिया के लिए ठीक है वो उस... नहीं वो मेहनत करते हैं ठीक है, है ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स मेहनत नहीं करते मेहनत करते हैं परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही शॉर्ट मेरे ख्याल से कि जो हमारा जो रास्ता है ना पाकिस्तान टीम का वो जरा शॉर्ट हो गया है उसमें ना हमें डोमेस्टिक का जो रगड़ा है ना जिसकी अहमद भाई बात कर रहे हैं इमरान भाई बात कर रहे हैं कि जब हम टीम में आए तो मेरे पचास साठ फर्स्ट क्लास मैचेस थे और उसके बाद में कहीं कंसिडर नहीं हुआ था ठीक है तो अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्लेयर जब आते हैं ना तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के नहीं आते जो फर्स्ट क्लास का रगड़ा है डोमेस्टिक का रगड़ा है पूरा वनडे टूर्नामेंट अगर आप आज खेले ना पाकिस्तान कप के 10-12 मैच हैं फर्स्ट क्लास के बारह तेरह मैच है नेशनल टी ट्वेंटी के दस मारा तो ये पैंतीस चालीस मैच बन जाते हैं अगर आप फाइनल तक पहुंचे, अगर आपने ये दो साल लगातार खेले हैं जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं अगर आप पैंतीस चालीस मैच खेलेंगे डोमेस्टिक के तो आप बेहतर परफॉर्मेंस की स्टिल मैं कह रहा हूं कि गारंटी कभी भी नहीं होती

प्रेशर सिचुएशन जब आपके नाम पे पाकिस्तान के एज आता है ना पाकिस्तान भाई आप गेम शुरू करना है आपसे जल्दी जल्दी जवाब लूंगा इस बात का भाई जब आप इतनी तनकीद करते हैं तो जाहरी बात है तनकीद का जवाब भी आता है आपने कहा कि मेरी एवरेज और स्ट्राइक रेट इसलिए हल्के थे कि मैं यू में खेलता था और यू में टारगेट ही एक सौ बनता था इसलिए मेरा स्ट्राइक रेट एक था तो कुछ शरारती लड़के जो आपको पता है डेटर बैठे होते हैं वो तो फैक्ट्स एंड फिग तलाश कर लेते हैं उन्होंने तो तलाश कर लिए आपने फिफ्टी नाइन टी ट्वेंटी ओ खेले हैं उसमें से बारह आपने यू में खेले बारह जो आपने टी ट्वेंटी में खेले उसमें आपकी एवरेज स्टैगरिंग सोलह है और आपका स्ट्राइक रेट एटी एट उसमें आपने इंग्लैंड से भी खेला है आपने ऑस्ट्रेलिया से भी खेला है न्यूजीलैंड से भी खेला है श्रीलंका से भी खेला है और सिर्फ जीते अफगानिस्तान से तो मुझे ये बताइए कि यही तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इनकी ये जो सोशल मीडिया की टीम है ये सिलेक्टिव स्टैट्स ले लेती है और आपको जलील करती है आपने ना कोई सीनियर प्लेयर छोड़ा आपने ना कोई चेयरमैन छोड़ा आपने ना वो लड़की छोड़ी जिसने एक दफा ये कह दिया था कि मैंने बाबर आजम की शादी नहीं करनी आपने अखीर कर दी तो यही आप लोग करते हैं हम इतना कभी नहीं गिरे कि सिलेक्टिव स्टैट्स हमें पता ही क्या होते हैं आज मैं अपने स्टैट्स आपके सामने रखूंगा जब कल आके तो आप कहेंगे आपसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है तो हमें पता है ये कैसे चीज़ें होती हैं लेकिन आपने हमने एजेंट्स रखे हमने अपनी परफॉर्मेंसेज को हाईलाइट करवाया लेकिन हम पे जितनी तनकीद हुई किसी सीनियर ने की किसी सीनियर प्लेयर ने की जर्नलिस्ट ने की बेशक हमें अच्छी नहीं लगती थी लेकिन हम इतना नहीं गिरे जितना आप गिर गए आपने पाकिस्तान में किसी सीनियर प्लेयर को नहीं छोड़ा आपने पाकिस्तान के किसी चेयरमैन को नहीं छोड़ा और ये जो आपने चीज़ें की हैं ये मकफात अमल है अब आपका टाइम आ गया है

क्योंकि मुझे लगता था कि यही ग्रैंड है यही एक बाहि हल है मेरा पाकिस्तान टीम में आने का नहीं आप लोग तो दो मैच खेलते हैं दो मैच डोमेस्टिक के उसके बाद आप फिजियो से लिखवाते हैं कि मैं इंजर्ड हूँ थक करके वापस भाग जाते हैं आप इससे पूछ रहे इससे पहले आपने इमाम से पूछा कि प्रेशर क्यों नहीं हैंडल होता और भाई प्रेशर कहाँ से हैंडल हो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है जब मुझे पता है कि मैंने ही चालीस मैच खेलने हैं मैंने बाहर ही नहीं होना और मैंने टांग पे टांग रख के आगे कह देना मेरे सो कोई फर्क नहीं पड़ता या आप जो आए कहते हैं मैं ऑटोमेटिक चॉइस था वो इसी वजह से होता है कि उनको पता है उन्होंने बाहर ही नहीं होना ग्रुप बंदी है तो हम तो ये क्या कह के मर गए